हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद ज़िला के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए रेड कलर का बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप अपने ज़िला के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर इस वीडियो में कोई भी गलती होती है तो आप हमें नीचे कमेंट कर बता सकते हैं। तो फर्रुखाबाद ज़िला, यह ज़िला भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित उत्तर प्रदेश के कुल 75 ज़िलों में से एक फर्रुखाबाद ज़िला के नाम से जाना जाता है। फर्रुखाबाद ज़िला उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग की ओर बसा हुआ है, जिस वजह से इस ज़िले की सीमा उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े ज़िलों के साथ मिलती है। फर्रुखाबाद ज़िले का हेडक्वार्टर ऑफिस फर्रुखाबाद शहर में मौजूद है और फर्रुखाबाद ज़िला कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है। फर्रुखाबाद ज़िला के पड़ोसी ज़िले का नाम इटावा ज़िला, शाहजहाँपुर ज़िला, मैनपुरी ज़िला, कासगंज ज़िला, बुधन ज़िला और हरदोई ज़िला है। फर्रुखाबाद ज़िला में 3 तहसील, 40 बैंक, 1 लोकसभा, 5 विधानसभा, 6 नगर पालिका, 14 पुलिस स्टेशन, 8 कॉलेज, 8 बस स्टैंड, 13 मुख्य सरकारी अस्पताल, 600 ग्राम पंचायतें और 1007 गांव में बटा हुआ है। क्षेत्रफल की बात करें तो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद ज़िले का कुल क्षेत्रफल 2181 यानी कि 2181 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और आबादी की बात करें तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार फर्रुखाबाद ज़िला की कुल आबादी 18,85,000 है, जिसमें कि पुरुष की कुल आबादी 10,60,000 और महिला की कुल आबादी 8,79,000 है। लिंगानुपात की बात करें तो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद ज़िले का औसत लिंगानुपात 876 के करीब है, यानी कि फर्रुखाबाद ज़िला में 1,000 पुरुष पर 876 महिला हैं। फर्रुखाबाद ज़िले का वाहन पंजीकरण संख्या UP 76 है। फर्रुखाबाद ज़िला के मुख्य नदी का नाम गंगा नदी है। गंगा नदी के किनारे पर बसा यह ज़िला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 189 किलोमीटर, बरेली से 120 किलोमीटर, कानपुर से 130 किलोमीटर, आगरा से 180 किलोमीटर तथा देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 431 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। फर्रुखाबाद ज़िला में हिंदू धर्म की आबादी 84% यानी कि मुस्लिम धर्म की आबादी 14% है, यानी कि यहाँ की आबादी के अनुसार हिंदू 84% हैं और मुस्लिम 14% हैं। सड़क रास्ते की बात करें तो फर्रुखाबाद ज़िला में कोई अच्छा नेशनल हाईवे तो नहीं है, लेकिन फिर भी इस ज़िला में कई ऐसे सड़क हैं जिसके माध्यम से यहाँ के लोग उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े शहरों में जा सकते हैं। वैसे इस ज़िला में नेशनल हाईवे होना बहुत ही आवश्यक है, जो कि यहाँ को लोगों को अच्छी तरीके से अपनी सेवा प्रदान करेगा। तो यहाँ पर अगर नेशनल हाईवे बन जाता है तो यहाँ के लोगों को काफ़ी हद तक अच्छी सुविधा मिल सकती है। वैसे यह ज़िला बस के माध्यम से भी पड़ोसी ज़िला और ज़िला के छोटे बड़े गांवों तक भी बस सेवा मुहैया प्रदान कराता है। रेलवे स्टेशन की बात करें तो फर्रुखाबाद ज़िला के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम फर्रुखाबाद जंक्शन है। इस जंक्शन में 5 प्लेटफॉर्म व 7 पटरी
शामिल है और इसका स्टेशन कोड FBD है। शिक्षा की बात करें तो इस ज़िला में कई ऐसे छोटे बड़े स्कूल व कॉलेज हैं जिसके माध्यम से यहाँ के बच्चे अच्छी तरह से शिक्षा प्रदान मतलब कि शिक्षा पा सकते हैं। इस ज़िले की साक्षरता दर 70% में 1% कम यानी कि 69% है, यानी कि यहाँ की आबादी के अनुसार 69% लोग पढ़े लिखे हैं जिसमें कि पुरुष व महिला दोनों शामिल है। इस ज़िले के कुछ महत्वपूर्ण स्कूल व कॉलेज के नाम इस प्रकार हैं: मेजर SD सिंह PG और वैदिक मेडिकल कॉलेज, काशीराम डिग्री कॉलेज, बद्री विशाल डिग्री कॉलेज, सरस्वती विद्या मंदिर, भारती डिग्री कॉलेज, PD महिला कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज। ये जितने भी स्कूल व कॉलेज हैं ये सभी फारुखाबाद ज़िला में मौजूद हैं जो कि यहाँ के बच्चों को अच्छी तरीके से अपनी सेवा प्रदान करते हैं। अस्पताल की बात करें तो फारुखाबाद ज़िला के मुख्य अस्पतालों में शुमार द केयर हॉस्पिटल, RK हॉस्पिटल, गायत्री हॉस्पिटल, शिव हॉस्पिटल, जोयल हॉस्पिटल, सत्यम हॉस्पिटल, माया हॉस्पिटल शामिल है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इस ज़िला में 13 सरकारी अस्पताल भी शामिल है। पर्यटन स्थल की बात करें तो फारुखाबाद ज़िला खूबसूरती के खजानों से पूरी तरह से भरपूर व मशहूर है। यहाँ के पर्यटन स्थल में शुमार पटालिया हनुमान मंदिर, सनकीसा मंदिर, कंपील, कैमगंज, पटेश्वर मंदिर आदि नामों से लोग काफ़ी वाकिफ हैं, जहाँ पर लोग घूमकर आनंद उठाते रहते हैं। फारुखाबाद ज़िला के कुछ महत्वपूर्ण होनहार व्यक्तियों में शुमार महादेवी वर्मा जो कि एक बहुत ही बड़ी कवित्री थी, इनका जन्म फारुखाबाद ज़िला में ही हुआ था। इसके अलावा उस्ताद हाजी विलायत अली खां, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, उनका जन्म यहीं पर हुआ था। इसके अलावा जस्टिस सुरेंद्र विक्रम सिंह राठौर जो कि पूर्व में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। ये जितने भी लोग हैं ये सभी फारुखाबाद ज़िला में ही पैदा हुए हैं। व्यवसाय की बात करें तो यहाँ का मुख्य व्यवसाय खेती है। गंगा नदी के किनारे पर बसे होने के कारण यहाँ की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है और यहाँ के लोग खेती अर्थव्यवस्था पर काफ़ी हद तक निर्भर रहते हैं। दोस्तों, फारुखाबाद ज़िला के बारे में आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, इस वीडियोस को पूरा देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।